आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार गरीबों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गईं, परंतु आज धरातल पर भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार के ग्राम गढ़ी खुर्शीपार निवासी महिला जो की गर्भवती थी, दर्द उठने पर उसे गढ़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्थिति बिगड़ने पर बिहार चिकित्सालय रेफर किया गया। वहीं गढ़ी में एक स्वाट एम्बुलेंस रहने के बाद भी उसे पैसों के कारण बिहार चिकित्सालय तक नहीं लाया गया। महिला दिन भर दर्द से तड़पती रही। आखिर शाम को पैसों की व्यवस्था के बाद उसे बिहार चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि शासन द्वारा 108 जननी महिलाओं के लिए ऐसी ही परिस्थितियों में निःशुल्क दी जाने वाली सेवा है। इस संबंध में बिहार चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर हरीश मसराम ने बताया कि 108 जननी एक्सप्रेस में महिलाओं के परिवारजनों से पैसे लेने की और भी शिकायतें इससे पहले भी मिली हैं। ये योजनाएँ भोपाल से क्रियान्वित हो रही हैं, इससे संबंधित अधिकारी और ठेकेदार कौन हैं जानकारी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी उस महिला की मुश्किल कम नहीं हुई। बिहार चिकित्सालय में इलाज ना कर उसे अब बालाघाट रेफर कर दिया गया, जहां उसे अब आगे आर्थिक तंगी से लेकर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप अपना नाम बताएं। कमला मरकाम। कहां के रहने वाले? खुर्शीपार। आपने जब बिहार हॉस्पिटल में पेशेंट लाए हैं तो 108 नंबर को आपने बताया, कॉल किया, तो कोई आपसे पैसे वगैरह तो नहीं लिया गया? पैसे लिए गए। कितने पैसे लेके गए? 500 रुपए लिया गया। आप कितने बजे से वहाँ परेशान हो रहे थे? वहाँ मंगलवार रात 9 बजे से आए थे। आपने ये नहीं उनसे बोला कि पैसे तो नहीं लगते, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? नहीं, हमने पूछे तो बोले कि सब सरकारी गाड़ी बंद है अभी। अच्छा, तो गाड़ी से भैया तक लाने का आपसे 500 रुपए लिया?